तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत महादेव के साथ। तो हम पहुंच चुके हैं ताजमहल और हम पी रहे हैं चाय। तो आगे का सीन ये है कि देखो ये है ताजमहल का रास्ता और यहाँ से लेंगे हम टिकट। टिकट मिल जाएगी कम से कम 50 की तो एंट्री है और 250 रुपये और लगते हैं, तो 250 रुपये लग जाते हैं। तो चलते हैं फिर अंदर, दिखाते हैं फिर। काफ़ी हरियाली है, ग्रीनरी है यहाँ पे। और आगे मिलेगा टिकट 700 मीटर दूर बता रहे थे। तो चाय पी ली, नाश्ता वास्ता तो घर से करके आए थे, खाना खा के आए थे। तो अभी हम सीधे सीधे चल रहे हैं अमानती घर। तो यहाँ पे अपना सामान रख सकते हो और ऐसे करके थोड़ी दूर ही आपके आपको टिकट विंडो मिल जाएगी। तो अब लेते हैं टिकट और पूछते हैं, आपको बताते हैं कितने का टिकट मिल रहा है। ऐसे वाहन चल रहे हैं, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक वाहन बड़े बड़े, तो पर्यटकों को लेके आते हैं और लेके जाते हैं छोड़ने के लिए। तो यहाँ से 600-700 मीटर ही है, वहाँ से ऑटो मिल जाते हैं। आप इनमें भी जा सकते हो और ऑटो में भी जा सकते हो और पैदल भी जा सकते हो। तो आ गए हम टिकट विंडो के पास। पहले इधर से लेते थे टिकट, अब तो चेंज कर दिया है। टिकट विंडो किधर गई? और भीड़ लग रही है उधर, और ये कितनी तगड़ी भीड़ हो रही है। तो ये देख सकते हो बहुत तगड़ी भीड़ लग रही है, लाइन लग रही है लंबी वाली। तो ऐसे यहाँ पे 50 के 60 की मिल रही है टिकट बाहर ऑनलाइन, और जियो के सिम काम नहीं करते। कोई ये लड़का है ना, ये बना रहा है टिकट। फॉर्म भी लगे हैं अभी, तो ये भी लगे हैं। विदेशी भी की लाइन लग रही है, यहाँ भी इनका भी टिकट नहीं मिल रहा, बहुत लंबी लाइन लग रही है। काउंटर तो बना रखे हैं बहुत सारे, पर एक ही चालू है, एक लेडीज का एक जेंट्स का। कम से कम आधा घंटा हो गया खड़े खड़े, तो आने से पहले ये गलती ना करें। तो बहुत देर के बाद हमें 50 रुपये का टिकट मिल चुका है। बहुत से थे लाइन में नहीं लग रहे थे, 400 बीस कर रहे थे, मेरे से बोल रहे थे एक तो कि भाई टिकट ले लो। तो मैंने मना कर दिया, मैं भाई सर 400 बीस मैं नहीं करता ना, तू से करने देता हूँ। और इतनी तगड़ी भीड़ हो रही है ना, और ऑनलाइन तो टिकट आप ले नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं कैसे सिस्टम बना रखा है इन्होंने। 400 बीस ये भी कर रहे हैं 400 बीस, सही बताऊँ तो यहाँ पर व्यवस्था बहुत ख़राब है। तो आप दिसंबर जनवरी में आ रहे हो ना, तो भूल के मत आओ, क्योंकि बहुत तगड़ी भीड़ है। और चलते हैं आप चेकिंग करवाते हैं, देखो दिखाता हूँ कितनी तगड़ी। को तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन है और काम कर रही है बस दो, और नेटवर्क आ नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे दलाल मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो अभी चेकिंग में इतनी लंबी लाइन लगे, तीन तीन चार चार लग रही है। तो फाइनली हमारी एंट्री हो गई ताजमहल में, और करीब आधा घंटा लग गया। ये तो टिकट में देर लग गई थी और चेकिंग में भी, पर सेल्फी स्टिक नहीं ले जानी थी हमारी। तो अभी आपको दिखाते हैं ताजमहल के, दर्शन कराते हैं आपको। तो अभी तो अंदर है बहुत भीतर, जब उसको पार करेंगे जब आएगा ताजमहल। ये पहले बाग पड़ेगा, उसके बाद ताजमहल के आपको दीदार होंगे। बहुत तगड़ी भीड़ है, बहुत तगड़ी भीड़ है। तो इधर से होगी हमारी एंट्री, इसके भीतर से आपको ताजमहल दिख जाएगा। तो ये मेन गेट है ताजमहल का, ये देख सकते हैं। यहाँ से एंट्री होती है हमारी ताजमहल देखने के लिए। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है ऊपर उर्दू में। विश्वदायक स्मारक, बहुत तगड़ी भीड़ है ऐसे, बहुत तगड़ी। तो यहाँ से एंट्री हुई थी हमारी, और ये देख सकते हो आप क्या शानदार लग रहे हैं, पेड़ लगा रखे हैं काट काट के और फुव्वारे चल रहे हैं, और सामने है ताजमहल। तो इसके हमने 50 रुपये दिए हैं, इसके 50 रुपये दिए हैं, और अंदर जाने के 250 रुपये और लगते हैं, 200 रुपये। तो 250 रुपये हो जाता है टोटल खर्चा, और बहुत तगड़ी भीड़ है, बहुत तगड़ी। तो आप आ रहे हो कृपया करके ध्यान दें, एक तो बाहर ऑनलाइन आपका टिकट नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो दलाल 60 रुपये ले लेंगे,
और बहुत तगड़ी भीड़ है भाई साहब, बहुत तगड़ी, बता नहीं सकते कितनी तगड़ी भीड़ है। लाल किले पर भी भीड़ थी और यहाँ ताजमहल पर भीड़ है। आने से पहले एक बार टिकट करा लें अपने ऑनलाइन, नहीं तो आपको आधा घंटा आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये साइड से ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो ताजमहल।